ये आवाज़ सुना रहा हूँ आपको। तो दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहना और ताकि मैं आगे आपको दिखा सकूं कि ये आवाज़ किस चीज़ की थी। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। तो गाइस क्लच कवर खोल लिया है और इसको फटाफट मैं खोलता हूँ, डिसमेंटल करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ इसमें क्या क्या कमी है। ऐसा होता है, अगर बगैर मैकेनिक भी कोई देख रहा है तो ये ऐसा होता है बिल्कुल। कितना फ्रेश है ये इस साइड से, और इस साइड से देखो कैसा इसका कर दिया हाल। अरे यार सामने वाले मैकेनिक के पास ये देखो, इस बोल्ट को देखो छेनी से इसको भी खोल रखा है यार। 19 नंबर की गोटी नहीं है उसके पास, और फिर कस्टमर यार प्रॉपर टूल होता है मैकेनिक के पास, पहले पता कर लिया करो। आप वो चीज़ मत देखा करो कि ये कम पैसे में कर रहा है तो अच्छे करे, कम पैसे में करेगा ना उसके पास प्रॉपर टूल भी नहीं होगा, ये ऐसे ऐसी तैसी करता है सामान की। तो मेरे भाई लोगों देरी ना करते हुए, सबसे पहले ये इसमें बिल्कुल फिक्स होती है और एक ये फिक्स होती है, ये तो हिलती भी नहीं है और ये घूमती रहती है, इस पर लॉक लगा होता है और इसको ऐसे डालना है। उसके बाद इसमें एक लगेगा बुश, ये बुश लग गया, ये साइड अंदर आएगी, खोलोगे तो आपको पता चल जाएगा। देखो इस साइड पे कोई निशान नहीं है, है ना, और इस साइड पे ये गियर लगाते हैं तो ये ऊपर टच होती है ना थोड़ी बहुत, उसकी वजह से निशान बना हुआ है, दिख रहा है ना आपको। और ये ऐसे लग जाएगी, ठीक है, ये इसमें हो गया। और इसके बाद अपने को लेना है ये हो गया। इसमें इस मेन शाफ्ट में एक वॉशर आती है यहाँ पे, ये रही, ठीक है, ये निकलती है बाहर और ये भी निकलती है, और एक ये इसके साथ होती है और ये इसमें फिक्स की हुई होती है, ठीक है, ये ऐसे नहीं लगेगी, इसको ऐसे लगाना है, साइज के हिसाब से पता चल जाता है, ठीक है, ये लग गई। और ये ऐसे लगेगी, एक खंचे इसमें सेट होंगे, ठीक है, ये वो सर आ गए ऊपर, आपको आगे दिखा देता हूँ मैं थोड़ा, अगर आप
आपको पता ही है इसका क्या करना है, बोलने की ज़रूरत है नहीं आप लोगों को, आप खुद समझदार हैं। ठीक है, समझ तो आप गए होंगे क्या करना है। ठीक है, कर दो फिटिंग। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये आ गया इसमें। ठीक है, एक साइड कर देना थोड़ा इसको, फिर ये छोटे वाला लगा लेना अपने को इस साइड में। तो इजी से है ना, अपन आपने अगर खोल लिया ना घर पे तो भी आप फिटिंग कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है, ये सिलेक्टर लगा देते हैं, सिलेक्टर के साथ में जरा भी लगाने के लिए देखते हैं। यो गियर बॉक्स लग गया। ये पहले लगा दो चाहे बाद में लगा दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक साइड पिन लग गई, दूसरी साइड भी पिन लगा लेंगे। इसमें डाल के थोड़ा सा ऊपर उठा के पिने भी लग गई है भाई लोगों। इसमें जो आवाज़ थी ना वो इस चीज़ की थी, ये पिन है ना, देख सकते होंगे आप, ये बिल्कुल कट गई है। जो भी मैकेनिक भाई देख रहा होगा ना उसको तो पता चल जाएगा इसका। ये देख, खड्डा हो गया यहाँ पे, सारी घिसाई हो चुकी है। अब यहाँ से देखो बिल्कुल प्लेन है। ठीक है, अब इसको अगर आप यहाँ से देखोगे, थोड़ा नज़दीक करता हूँ, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ठीक है, ये कंप्लीट असेंबली चेंज करवा दी हमने। ये देखो, ये हो गया, कनेक्टर रोड वगैरह नई डल गई इसमें। ये देखो, और कनेक्टर रोड नई होगी और ये पिन वगैरह सब न्यू डल गया इसमें। ये इसके अंदर बैरिंग होता है वो भी डल गया, ये वाला बैरिंग होता है, इसको बिगिन बैरिंग बोलते हैं, और ये बिगिन पिन होती है, ये कनेक्टर रोड होती है। तो ये कंप्लीट असेंबली चेंज करवा दी हमने। तो चलिए मैं फिटिंग कर देता हूँ इसको आपके सामने। ये फिट हो गया, ठीक है, इसमें हवा मार ली है क्योंकि खराद वाले के पास भेजते हैं, तो इसमें थोड़ा बहुत कचरा वगैरह लगा रह जाता है, ऑयल वगैरह लगा के देता है ना वो उसके अंदर, वो अब खोल के अपने हिसाब से लगाता है। तो हमने अपने हिसाब से साफ कर लिया, क्लीन कर लिया इसको, कहने का मतलब यही है, अच्छे से क्लीन, जितना अच्छा क्लीनिंग होगा ना इसका उतनी बेस्ट सर्विस मिलेगी हमें और उतनी ही स्मूथ रहेगी ये चीज़, ये बात हमेशा ध्यान रखना। अब जानते ही हो, मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है मेरे भाइयों। चलिए अब जल्दी से इस पर पैकिंग लगाते हैं और ऊपर का चैम्बर फिटिंग करते हैं। ये लग गई पैकिंग, ये हो गया चैम्बर, ये जो बैरिंग है नए वाला वो इसमें लगा लेंगे पहले, इसमें सीट में बाद में टाइट टाइट जाता है इसलिए नीचे ठोक लेंगे पहले।
गाइस बोल्टों को टाइट कर देना, बोल्ट आमने सामने टाइट करना है आपको, ख्याल रखना है। किक सॉफ्ट छोटी वॉशर अंदर लग गई, देखते हैं हाथ से ढल जाएगी क्या। ढल गई, ये उसके बाद लगेगा ये स्टार, स्टार लगा देते हैं, उसके बाद लगता है ये सोमो, उसके बाद लगता है ये सेकंड गिरारी लग गई। बोल्ट हो गया, इसको यहाँ आराम से लगा देंगे, इसको टाइट कर देंगे। यूट्यूब एक वॉशर लगा, कलच प्लेट जेन्युइन यूज करनी है, मेड इन जापान, देख सकते हैं, ये लोकल नहीं यूज करनी है अपने को। जेन्युइन सामान यूज करोगे तो जेन्युइन कफड़ भी मिलता है हमें। सो गाइस ये सिलेंडर किट जो कि बजाज जेन्युइन है, आप इसके लिस्ट भी देख सकते हैं, ये रेट है इसका, और अनबॉक्सिंग करेंगे इसकी। अनबॉक्सिंग हो चुकी है, बजाज जेन्युइन डाल दी हमने, सिलेंडर किट डाल रहे हैं, रिंग आता है, रिंगे वगैरह। तो चलिए जल्दी से मैं पिस्टन को फिट कर देता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको आगे। आई होप आप भाई लोगों को दिख रहा होगा, बिल्कुल ही स्मूथली जाएगा अंदर। ये हो गया फिटिंग, सिलेंडर की फिटिंग होगी अपनी। सो गाइस स्टार्टर प्लेट लगा ली हमने, इसको कॉइल प्लेट भी बोलते हैं, स्टार्टर प्लेट भी बोलते हैं। ये तो गाइज यहाँ पे टी लिखा होता है, और ये लाइन होती है, और यहाँ पे एक निशान होता है ये, और ग्रारी पे एक एरो बना होता है, और यहाँ पे ये निशान होता है। ये टाइमिंग मिलाने का सिस्टम ही होता है इसमें। बोल्ट को टाइट कर दें, हाँ
दोस्तों बाइक अपनी बिल्कुल रेडी हो गई है, आवाज़ भी एकदम स्मूथ हो गई है और कस्टमर को डिलीवर करने के लिए तैयार है। अब इसकी टंकी लगानी है और सीट लगानी है, साइड पैनल लगाने है, लगा के इसको डिलीवर करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल पर नए प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।